नमस्कार, मीना स्मी जी ने आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ओरियो केक। ये बर्थडे में, एनिवर्सरी में, हर जब भी आपको खाना चाहते हैं वो आप बना सकते हो, पार्टीज में। और ये कम पैसा से बन सकता है। आजकल केक बहुत महंगा मिलता है और बटर भी कौन सा डालते हैं ये हमें पता नहीं चलता है। हम घर पे आसानी से ये केक बना सकते हैं। चलिए किस तरह बनाते हैं। बिस्किट लिया है, ये 100 ग्राम का पैकेट है। ऐसा मैंने 3 पैकेट लिया है। और 1 चम्मच बेकिंग सोडा है और दूध, ये रूम टेम्परेचर दूध है, फ्रिज का नहीं है। अब हम पहला इसको बिस्किट को सब इसमें डालते हैं। तो सब तोड़ के डालते हैं। देखिए पूरा बिस्किट मैंने तोड़ दिया। ये बहुत टेस्टी बनता है। बाहर हम चीज लाएगा तो एकदम महंगा रहता है फ्रेंड्स। अब हम ये इसमें बनाते हैं। इसमें नमक दीमक कुछ भी नहीं डालते हैं। मैंने बटर पेपर लिया है, ये इसको थोड़ा ग्रीस करते हैं, पूरा तरह पूरा कंटेनर को ग्रीस करते हैं तेल से। और इसको भी लगाते हैं बटर पेपर को, ताकि ये आसानी से निकले। तो इसके ऊपर भी हम पूरा तरह ग्रीस करते हैं और हम इसको 10 मिनट के लिए फ्री हीट करने के लिए रखते हैं। ये ढक्कन लगा के मिक्सी में पीसते हैं, बारीक सा पाउडर करते हैं। पाउडर बना के हो चुका है। ये सब इसमें डाल देते हैं। दूध डाल के इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के। एक ही डायरेक्शन में पूरा मिक्स कर दिया। देखिए कंसिस्टेंसी। अब हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालते हैं। हम इनो नहीं डालते हैं। जब हमारा जो बेक करने को रखा है इसमें हम ये रखते हैं स्टैंड। अभी आपके पास ये नहीं है तो ये भी कटोरी भी रख सकते हैं। हीट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा दूध डालते हैं इसके ऊपर और 2-3 मिनट फेंटते हैं। फ्रेंड्स ये हो गया। अभी मैंने इसको भी ग्रीस करके रखा है। अभी हम दूध 1 कप पूरा डाल दिया है 300 ग्राम बिस्किट में। अभी हम ये पूरा इसमें डालेंगे। अब हम इसमें 2-3 बार जो भी एयर है और इसको जो हीट हुआ चाटी में रख देते हैं और 30 मिनट्स के लिए बेक होना देते हैं। फ्रेंड्स अभी गनाश बनाते हैं। इसके लिए हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड वो नहीं मिला है मुझे,
आज भी मैं इससे बनाती हूँ। मैंने एक कोको लाया है, इसका 2 चम्मच कोको पाउडर। मैंने गैस ऑन नहीं किया है। दो चम्मच कोको पाउडर लिया है। चम्मच कॉर्नफ्लावर है, टेबल स्पून में आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालती हूँ। अभी पिसा हुआ चीनी के मैंने रखा है, पिसा हुआ चीनी 4 टेबल स्पून। एक, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4 टेबल स्पून। ये मैंने कोको शुगर आधा कॉर्नफ्लोर सब डाला, गैस ऑन अभी तक नहीं किया। अभी देखिए इसमें से आधा ग्लास यानी कि ये 1/2 कप होता है, आधा ग्लास हो जाता है। देखिए आपके पास ये कप नहीं रहेगा तो आप आधा कप डाल दीजिए। देखिए तो इसको हम डालते हैं और इसको सब मिलाते हैं, कोई गुठली नहीं रहने का। अब हम गैस ऑन करेंगे। धीमी गैस में ये पकाएंगे। गुठलियां नहीं रहने का, धीमी गैस में ये पकाएंगे गाढ़ा होने तक। और इसको एकदम चालते रहेंगे, चालेंगे ऐसा तो बन जाता है। और वो हो गया है, और भी थोड़ा गाढ़ा होने का है, एकदम शाइनिंग जैसा बना दिखाती हूँ किस तरह बनाता है। अभी एनिवर्सरी में, बर्थडे में बच्चे लोगों का भी खाने का है तो आप बना सकते हैं ये। इस तरह हो गया, ये एकदम शाइनी और ग्लॉसी दिखने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, वो है अमूल बटर। ये डालेगा तो एकदम शाइन आ जाता है इसमें। देखिए एकदम ग्लॉसी शाइनिंग मारता है ये बटर डालने के बाद। इस कंडीशन में हम गैस ऑफ करेंगे। देखिए शाइन आया ना। अभी ये ठंडा होने के बाद 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि केक के ऊपर हम लोग गरम नहीं डाल सकते हैं। इसको ऐसे ही ढक के देते हैं। देखिए कितना मस्त बना है, देखिए टेक्सचर देखिए एकदम ग्लॉसी। देखिए डार्क बनने को टाइम है, अभी फिर मिलते हैं। हम डाल के देखते हैं, देखिए लगता नहीं है, अब ये हो चुका है। अब हम ठंडा होने को रखेंगे 10 मिनट, उसके बाद ही मोल्ड करेंगे। किचन के लिए एक फ्लावर बनाते हैं, इसके लिए मैंने छोटा बिस्किट लिया है और इसको तोड़ते हैं। और इसका जो क्रीम है निकाल देते हैं। इसमें डालो या ग्राइंडर में कोर्स पीसेंगे। मैं अभी इसमें लाटने का मदद से करती हूँ।
अब ये बारीक सा पाउडर हो चुका है, इसमें डालते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, ज्यादा नहीं। हमें गोला कर देने का इसको, थोड़ा दूध डाल के मिक्स करेंगे ये मिश्रण। मैं कोर्स पाउडर किया है इसको, बस यही कंसिस्टेंसी में हमें रखना है। ये बाद में हम डेकोरेशन के लिए लगाएंगे। डीमोल्ड करते हैं। देखिए इतना स्पंजी बना है, देखिए एकदम स्पंज सर का बना है। अभी हम गनाश डालेंगे। पूरा साइड डाल देंगे। मैंने चॉकलेट को ग्रेड करके रखा था, ये डेकोरेशन करते हैं इसका। बिस्किट ये करके रखा था ना, इसका इतना पीस लेंगे और इसको हथेलियों में ऐसा दबाएंगे। सेम जगह पर गोल बनाएंगे। ऐसा एक ही रखेंगे। हथियलियों का बीच में रख के इस तरह दबाते जाएंगे। लाटनी से नहीं लाटेंगे ये, तो नहीं तो चिपक जाएगा। देखिए इस तरह किया ना, और प्रेस करेंगे इस तरह, और इसको इस तरह गोल करके घुमाएंगे। देखिए कितना अच्छा बना है फूल। इसको थोड़ा दबाएंगे बीच में और इसको बीच में काटेंगे। देखिए
इस तरह। देखो हो गया ना। देखो फ्रेंड्स केक बना के तैयार है ओरियो केक। आप एनिवर्सरी में, बर्थडे में या कोई फंक्शन में इस तरह बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाने का और मैंने सब तरीका आपको दिखा दिया है। ये बहुत यम्मी बन गया है और बहुत सॉफ्ट भी है। अगर आपको पसंद आया तो ये केक, हमारा वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाइए, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपका उसमें आ जाएगा जो भी वीडियो बनाता है। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, उसमें ऑल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।